हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका यस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपने वैक्सीन लगवा लिया है, कोई भी वैक्सीन आपने लगवा लिया, फर्स्ट डोज या सेकेंड डोज, अगर आप उसे सर्टिफिकेट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप अपने मोबाइल से कैसे डाउनलोड करेंगे। और मान लीजिए आपने सर्टिफिकेट में आप अपनी फ़ोटो आईडी चेंज करवाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आपने आधार कार्ड से लगवाया है, तो आप अपने आईडी को कैसे चेंज कर पाएंगे। अगर आप उसे पासपोर्ट करना चाहते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस करना चाहते हैं, या आईडी कार्ड के द्वारा जैसे कि वोटर आईडी आप उसमें लगवाना चाहते हैं, तो आप अपने मोबाइल से कैसे खुद घर बैठे आप कैसे कर पाएंगे आईडी को चेंज, तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी आपको सारा प्रोसेस समझ में आएगा। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आपसे एक प्यार भरी रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि यहां पे आपको ऑनलाइन रिलेटेड वीडियो मिलती रहती है। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको लेके चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने कोविन एप्लीकेशन या जो भी आप डेस्कटॉप खोलते हैं मोबाइल से, या तो अगर कंप्यूटर से खोलते हैं तो यहाँ पे कोविन लिख के आएगा, उसको आपको ओपन करना है। ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा वैक्सीनेशन सर्विस, उस वैक्सीनेशन सर्विस में यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको चार पांच ऑप्शन मिलेंगे, तो यहाँ सबसे पहले आपको डाउनलोड सर्टिफिकेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जहाँ से आप अपनी सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी आपने फर्स्ट या सेकेंड डोज लगवाई है। तो डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ उसके बाद आपको मिलेगा क्या कि आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर इंटर करें। यहाँ पे आपको अपना जो भी जिस भी आपने अपना मोबाइल नंबर दिया है वैक्सीन लगवाते टाइम, वो आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद आपके नंबर पे ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पे फिल करके वेरीफाइड एंड प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर हम अपना ओटीपी यहाँ पर फिल कर देते हैं, उसके बाद वेरीफाई एंड प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर जितने लोग मेम्बर रहेंगे आपको वहाँ पर शो करने लगेगा। यहाँ पे मैंने अपने मोबाइल नंबर से दो लोगों का मेरे फैमिली मेम्बर में लगा, एक मेरा और एक मेरे फैमिली मेम्बर का अदर लगा है। तो यहाँ पे देखिए मैंने फ़र्स्ट डोज लगवाई है, तो यहाँ पे फर्स्ट डोज दिखा रहा है कोविशील्ड, और सर्टिफिकेट डाउनलोड के ऑप्शन पे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा, और दूसरा कब लगवाना है वो भी आपको यहाँ पर डेट दिखाई देने लगेगा। तो यहाँ पर पहला हम सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर सर्टिफिकेट डाउनलोड हो गया है, उसके बाद आप ऐसा देख पाएंगे। उसके बाद आप जहाँ मन तहाँ से प्रिंट करवा सकते हैं, कहीं भी साइबर कैफे से। अब बात करते हैं, अगर आप अपने सर्टिफिकेट में अपनी आईडी या कुछ भी जेंडर या मोबाइल नंबर चेंज करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ से रेज एन इशू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो देखिए करेक्शन इन माई सर्टिफिकेट रिकॉर्डिंग नेम जेंडर फोटो आईडी मैनेज मल्टीपल डोज, जो भी चीज़ आप यहाँ से चेंज करवाना चाहते हैं तो आप अपने मोबाइल से खुद से कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, आप पासपोर्ट आईडी करवाना चाहते हैं तो पासपोर्ट आईडी भी आप यहां से करवा सकते हैं। इसके लिए आपको सेलेक्ट मेंबर करना है, जिस मेंबर का आप अगर एक लोग का लगा है तो एक आप खुद रहने दीजिए। उसके बाद जिस भी आईडी को आप करना चाहते हैं तो आईडी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो मेरा यहाँ पर ऑलरेडी पासपोर्ट लगा हुआ है तो मैं यहाँ पर पासपोर्ट को नहीं चेंज करूँगा। अगर आप लोग इंटरनेशनल ट्रैवल करना चाहते हैं तो अगर आपने आधार कार्ड से लगवाया है तो आप अपनी आईडी को चेंज कर सकते हैं खुद घर से बैठे हुए अपने मोबाइल से। यहाँ पे आपको अपना लॉगिन करना है, मतलब आप अपने मोबाइल नंबर से जो भी वैक्सीन लगवाई उसको लॉगिन करके इसके बाद आप अपनी आईडी चेंज कर सकते हैं। वहाँ पे पासपोर्ट लगवाना चाहते हैं तो पासपोर्ट लगा सकते हैं अपना आईडी यहाँ पर सबमिट करके। उसके बाद आपको यहाँ पर लिखा हुआ है चेंज इन रिक्वेस्ट सबमिटेड इन 24 आवर्स, मतलब कि 24 घंटा के अंदर आपका चेंज होके मिल जाएगा। अगर आप मेल फीमेल चेंज करना चाहते हैं गलती से, जो भी आपका वैक्सीनेटर जिसने लगाया अगर उसने मेल को फीमेल बना दिया तो वो भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से आप लोग अपना आईडी, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ अपने मोबाइल से एक बार चेंज कर सकते हैं, एक बार ही चेंज हो पाएगा, दोबारा वो चेंज नहीं हो पाएगा। इसमें यही आपको लिखा हुआ है कि दिस चेंज बी इन वन टाइम, मतलब एक बार ही या चेंज हो सकता है, बार बार नहीं हो पाएगा। इसके लिए आपको यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरी बात है कि आप जो भी चेंजेस करेंगे वो सिर्फ एक बार ही कर पाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में देखने को मिला कि आप लोग जो भी चेंज करना चाहते हैं, अगर ट्रेवल मोबाइल नंबर भी ऐड करना चाहते हैं नया मोबाइल नंबर, तो मतलब जो पहला पुराना मोबाइल नंबर है उसको यहाँ पे आपको सबमिट करके उस पर ओटीपी आएगा, उसके बाद आप दूसरा जो मोबाइल नंबर देंगे वो मोबाइल नंबर आपका उस पर रजिस्टर्ड हो जाएगा। उसके बाद
आप उससे सर्टिफिकेट डाउनलोड कर पाएंगे। इस तरीके से आप अपना मोबाइल नंबर भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपका कोई दूसरा कर लिया है, मतलब किसी दूसरे को लग चुका है वैक्सीन, तो वो भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो इसमें अगर आप जिस मेंबर का आप सेलेक्ट करेंगे आईडी चेंज करने का, उस मेंबर का आप आईडी चेंज कर पाएंगे। तो यही है दोस्तों कि आप अगर वैक्सीन लगवा चुके हैं और अपनी आईडी चेंज करवाना चाहते हैं, फ़ोटो आईडी, पासपोर्ट या आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आप उसमें इंटर करना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।